नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो अत्यंत ही रहस्य से भरे मंदिरों के विषय में और उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष घटनाओं को प्रदर्शित करता है। आइए जानते हैं भारतवर्ष में स्थित कुछ रहस्यमय मंदिर और उनसे जुड़ी हुई चमत्कारी घटनाओं के विषय में जानकारी हम आपको आज लेकर चलने वाले हैं। भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिरों की ओर जहां आज भी अलौकिक घटनाएं घटित होती हैं। ऐसे मंदिर जो ना सिर्फ आस्था के केंद्र हैं, बल्कि इनसे जुड़े हुए रहस्यों ने वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को भी हैरान कर रखा है। क्या यह सिर्फ मान्यताएं हैं या इन मंदिरों में सच में कुछ असाधारण घटित होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कामाख्या मंदिर, असम। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है असम के कामाख्या मंदिर से, जो तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ हर साल अंबुबाची मेला लगता है, जो कि माँ कामाख्या के मासिक धर्म का प्रतीक है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि एक प्राकृतिक योनि के आकार के पत्थर की पूजा की जाती है। हर साल अंबुबाची के दौरान यह पत्थर खुद से गीला हो जाता है, जिसे देवी के मासिक धर्म का संकेत माना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। अब हम चलते हैं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की ओर, जहां आज भी हर हफ्ते सैकड़ों लोग अपनी परेशानियों के निवारण के लिए आते हैं। लेकिन यहां सिर्फ सामान्य पूजा नहीं होती। इस मंदिर की पहचान है कि यहां आज भी भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का इलाज होता है। लोगों का मानना है कि बालाजी यहां हर उस व्यक्ति को मुक्ति दिलाते हैं जो किसी ऊपरी बाधा से पीड़ित है। कुछ लोग यहाँ चीखते चिल्लाते हैं और कुछ के शरीर पर अजीबोगरीब हरकतें देखने को मिलती हैं। क्या यह मानसिक बीमारी है या सच में कुछ अलौकिक शक्ति काम कर रही है? ज्वालामुखी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर का रहस्य भी कुछ कम नहीं है। यह मंदिर देवी सती को समर्पित है और यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि 7 अलग अलग स्थानों पर बिना किसी ईंधन के प्राकृतिक ज्वालाएं जलती रहती हैं। ये ज्वालाएं कभी बुझती नहीं और न ही इनके स्रोत का अब तक पता चल पाया है। वैज्ञानिक इस बात से चकित हैं कि आखिर ये ज्वालाएं बिना किसी ईंधन के कैसे जल रही हैं, जबकि स्थानीय लोग इसे देवी का चमत्कार मानते हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर स्थित विट्ठल मंदिर के बारे में एक अद्भुत मान्यता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने यहाँ अपने भक्त पुंडलिक की सेवा से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए थे। लेकिन यहाँ एक अनोखी बात यह है कि मंदिर में आज भी एक रहस्यमय छाया दिखाई देती है, जिसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद माना जाता है। इसके अलावा हर वर्ष मंदिर की दीवारों पर पैरों के निशान उभर आते हैं, जिनकी कोई ठोस व्याख्या नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर की मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ त्रियुगी अग्नि यानी 3 युगों से जलती आ रही अग्नि आज भी जल रही है। यह अग्नि कभी नहीं बुझती और लोगों का विश्वास है कि इसमें आहुति देने से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। आंध्र प्रदेश में स्थित श्री कलाहस्ती मंदिर पंचभूत स्थलों में से एक है और इसे वायुलिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की एक खासियत है कि मंदिर के गर्भगृह में एक तेल का दीपक जलता रहता है, लेकिन इस दीपक की लौ बिना किसी हवा के भी कभी कभी हिलती रहती है। यह घटना लोगों के लिए रहस्य का कारण बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। मंदिर के पुजारी
इसे वायु तत्व की शक्ति मानते हैं। चूड़ामणि देवी मंदिर, बिहार। बिहार के सहरसा जिले में स्थित चूड़ामणि देवी मंदिर भी रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ देवी का प्रकोप बेहद शक्तिशाली है और जो भी व्यक्ति अपवित्र भाव से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है उसे देवी सजा देती है। रात के समय यहाँ कई रहस्यमयी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ देवी का प्रकट रूप देखा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस मंदिर के वातावरण की जांच कई बार की गई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बेताल मंदिर, गोवा। गोवा का बेताल मंदिर भी एक रहस्यमयी मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ बेताल देवता की पूजा होती है जिन्हें युद्ध और तंत्र विद्या के देवता माना जाता है। मान्यता है कि रात के समय मंदिर के आसपास कोई नहीं जाता क्योंकि यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोग दावा करते हैं कि बेताल देवता रात में जागृत होते हैं और मंदिर के आसपास विचरण करते हैं। यह स्थान तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी जाना जाता है और लोग यहाँ की रहस्यमयी घटनाओं को देवी देवताओं की कृपा मानते हैं। नागरखाना मंदिर, गुजरात। गुजरात के नागरखाना मंदिर को सांपों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ की मान्यता है कि नाग देवता खुद इस मंदिर की रक्षा करते हैं और जो भी इस मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है उसे नाग देवता दंडित करते हैं। यहाँ पर कई बार श्रद्धालुओं को सांप दिखाई देते हैं लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन सांपों ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। स्थानीय लोग इसे नाग देवता का चमत्कार मानते हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं लगाए जाते। मान्यता है कि शनि देव इस गांव की रक्षा करते हैं और जो कोई भी चोरी करने की कोशिश करता है उसे शनि देव तुरंत दंडित करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी अजीब बात यह है कि कई बार चोरी की घटनाएं होने के बावजूद चोर कभी भी यहाँ से कुछ नहीं ले जा पाते। यह रहस्य आज तक बना हुआ है कि आखिर शनि देव की यह शक्ति कैसे काम करती है। शबरीमला मंदिर, केरल। शबरीमला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है और यहाँ की सबसे अलौकिक घटना मकर ज्योति है। हर साल मकर संक्रांति के दौरान मकर ज्योति नामक एक दिव्य प्रकाश मंदिर के सामने पहाड़ियों पर दिखाई देता है। इसे भगवान अयप्पा का आशीर्वाद माना जाता है। यह ज्योति एक निश्चित समय पर प्रकट होती है और लाखों श्रद्धालु इसे देखने के लिए आते हैं। यह प्रकाश कहां से आता है और यह घटना कैसे घटित होती है इसका अब तक कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। मंजुनाथ स्वामी मंदिर, कुक्के सुब्रह्मण्य, कर्नाटक। यह मंदिर नाग देवता कुक्के सुब्रह्मण्य को समर्पित है और यहाँ के सबसे बड़े रहस्य में से एक है सर्पा दोष के निवारण के लिए की जाने वाली पूजा। कहते हैं कि जिन लोगों पर नाग दोष होता है वे इस मंदिर में पूजा करने के बाद रहस्यमय रूप से अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। यहाँ आने वाले कई श्रद्धालुओं ने बताया है कि मंदिर में पूजा करने के बाद उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आए। इस मंदिर में तांत्रिक साधना और नाग पूजा का विशेष महत्व है। शिव प्रायणार मंदिर, तिरुवन्नमलाई, तमिलनाडु। रहस्यमयी घटना। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ होने वाली अलौकिक घटना दीपम के रूप में जानी जाती है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के समय अनायास ही अरुणाचल पहाड़ी के शिखर पर एक विशाल दीपक जल उठता है जिसे कार्तिक दीपम कहा जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह भगवान शिव का आशीर्वाद है और इस दीपक को
भगवान शिव स्वयं प्रकट करते हैं। इस दीपक के प्रकट होने के समय मंदिर और पहाड़ी के चारों ओर अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, कर्नाटक। रहस्यमयी घटना। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हम्पी के विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी अलौकिक घटना मंदिर के मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग की छाया का उल्टा दिखाई देना है। मंदिर की वास्तुकला इस तरह से बनाई गई है कि सूर्य की रोशनी गर्भगृह में प्रवेश कर शिवलिंग की उल्टी छाया दिखाती है। इस अनोखी घटना को वैज्ञानिक अब तक समझ नहीं पाए हैं और इसे भगवान शिव की महिमा माना जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम, केरल। रहस्यमयी घटना। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में अनंत पद्मनाभ को समर्पित है और यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर के तहखाने में स्थित 7 गुप्त कक्ष। इनमें से 6 कक्षों को खोला जा चुका है जिनमें से असंख्य खजाने मिले हैं, लेकिन 7वां कक्ष अब तक नहीं खोला जा सका है। कहा जाता है कि इस कक्ष को खोलने का प्रयास करने वाले लोगों को भयंकर दंड भुगतना पड़ा है। इस कक्ष के दरवाजे पर नाग देवता का चिन्ह है और मान्यता है कि इसे खोलने पर पृथ्वी पर विनाशकारी घटनाएं हो सकती हैं। गंगा कावेरी संगम मंदिर, श्रीरंगपटना, कर्नाटक। यह मंदिर भगवान श्री रंगनाथ को समर्पित है और कावेरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की विशेषता यह है कि कावेरी और गंगा का मिलन माना जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ स्नान करने से गंगा और कावेरी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। खास बात यह है कि यहाँ पानी का प्रवाह अचानक बढ़ता और घटता है और वैज्ञानिक इसके पीछे के कारण को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। श्रीकला हस्ती मंदिर, आंध्र प्रदेश। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे वायुलिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ गर्भगृह के भीतर एक विशेष दीपक जलता रहता है जिसकी लौ बिना किसी हवा के हिलती रहती है। यह घटना श्रद्धालुओं के लिए एक रहस्य है क्योंकि गर्भगृह के भीतर कोई खिड़की या वेंटिलेशन नहीं है, फिर भी दीपक की लौ लगातार हिलती रहती है। इसे भगवान शिव की वायु तत्व की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मेलुकोटे मंदिर, कर्नाटक। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी प्रमुख घटना एक दिव्य प्रतिमा का प्रकट होना है। मान्यता है कि मंदिर में रखी मूर्ति स्वर्ग से गिरी थी और इसके बारे में स्थानीय लोगों को पहले से संकेत मिला था। हर साल मेलुकोटे मंदिर में देवी की मूर्ति की आंखों से एक विशेष प्रकार का तेज निकलता है जो मंदिर के अंदर एक दिव्य वातावरण का निर्माण करता है। इस घटना को अब तक कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं दे पाया है। ये मंदिर रहस्य और चमत्कारों से भरे हुए हैं और हर साल लाखों श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करते हैं। इन मंदिरों की अलौकिक घटनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं और इनकी मान्यताएं श्रद्धालुओं के दिलों में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। तो ये थी जानकारी रहस्यमय भारत में स्थित मंदिरों के विषय में। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।